जिला मिर्जापुर के भेवर करमनपुर गांव में काजल सहित 1200 महिलाओं को बाथरूम न होने के कारण स्नान हेतु बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं अनीता भारती और यह रहा मेरा समुदाय। आप क्या माने कि आपके यहाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आपको? बाथरूम की दिक्कत है। अच्छा, खुले में नहाना अच्छा नहीं लगता है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। चार लोग इधर खड़े हैं तो तीन लोग इधर खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो लोग तो खड़े हैं तो क्या हुआ? शरीर की अच्छा सफाई नहीं हो सकता है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं यही ईटा का बंजर सरकार बनवा दे बाथरूम। सरकार की तरफ से बाथरूम चाहती हैं? हाँ। तो आप ही को बड़ी दिक्कत है क्या, और किसी को दिक्कत है बेटा? सबको एक दिक्कत है गांव में लड़कियों को। अच्छा बताइए कि आपको कौन ऐसी समस्या है इस गांव में? हमारे गांव में बाल लैट्रिन बाथरूम की सबसे ज्यादा समस्या है। तो इसके लिए आप कुछ ने सोचा? हमारे गांव में एक मतलब कि सोरी समूह समूह खुला है जिसका नाम गरिमा परियोजना है, और उसी में मतलब चंदा मामा की कहानी हुई थी, उसी के हिसाब से हम लोग बाथरूम बना रहे हैं। अच्छा, आपके समूह क्या नाम है बेटा? शिव शंकर समूह। तो कैसे बनाई हैं आप? पास काट के, कास काट के, तब उसको मतलब टटरी बना के। अच्छा। तो बनाए हैं। और अच्छा ये बताइए कि आपको खुले में नहाने में क्या होता है, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमारे गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जो खुले में नहाते हैं। अच्छा ये बताइए पूजा जी, आपका जो स्नान घर बनवाई हैं तो ठीक है? ठीक है क्या, वो कुछ दिन चलेगा, इसके बाद बेकार हो जाएगा, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि वो ईटा बालू गिरा के हमारे यहाँ एक बाथरूम बनवा दे। तो क्या आपने मम्मी से नहीं बोल सकती हैं आप? हमारे मम्मी के पास इतना कहाँ पैसा है। मैं चाहती हूँ कि सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जाए जिससे प्रत्येक प्रत्येक घर में बाथरूम बने, जिससे महिलाओं को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। इसके लिए आप मिर्जापुर जिले के DM जिनका मोबाइल नंबर है 9454417567 पर दबाव डालकर आप हमारी मदद करें। मैं अनीता भारती, जिला मिर्जापुर, इंडिया, अनहट से।